आज हम करेंगे हिंदी रीडिंग क्लास सेकंड राजा शिबी की परीक्षा। इस कहानी से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे देश में शिबी नामक एक महान राजा हुए हैं। वह बहुत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा पालक शासक थे। उनके राज्य में सभी प्राणी सुखी थे। जिस किसी को दुख या कष्ट होता था वह सीधा राजा की शरण में पहुंच जाता था। राजा तत्काल उसका कष्ट दूर कर देते थे। शरणागत की रक्षा करना वह अपना धर्म मानते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी बड़ा त्याग करना पड़े। इससे उनकी ख्याति स्वर्ग तक फैल गई। राजा इंद्र भी शिवी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अग्निदेव से कबूतर बनने के लिए कहा और स्वयं बाज का रूप धारण कर लिया। एक दिन राजा शिवी अपनी राजसभा में बैठे थे, उसी समय बाज के पंजों से घायल एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर गया। कबूतर बहुत डरा हुआ था। राजा ने प्यार से उस पर हाथ फेरा और उसकी हर प्रकार से रक्षा करने का निश्चय किया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और राजा के सामने बैठ गया। बाज ने कहा, महाराज आप न्याय को जानने वाले हैं, आपको किसी का भोजन नहीं छीनना चाहिए। यह कबूतर मेरा भोजन है, आप इसे छोड़ दीजिए, बहुत भूखा हूँ, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। शिवी ने कहा, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, अतः शरणागत की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। जहाँ तक तुम्हारी भूख का प्रश्न है तो उसे मैं दूसरे तरीके से शांत कर सकता है। बाज कहने लगा, महाराज कबूतर मरे या कोई दूसरा प्राणी, मांस तो किसी को मारने से ही मिलेगा। सब प्राणी आपकी प्रजा है, सब आपकी शरण में है। उनमें से जब किसी को मारना ही है तो इस कबूतर को ही मारने में क्या दोष है। मैं तो ताज़ा मांस खाने वाला प्राणी हूँ और कबूतर मेरा प्रिय भोजन है। जो राजा इंद्र थे उन्होंने बाज का रूप धारण किया था राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए। जो बाज था उन्होंने राजा शिवी से कहा था कि कबूतर के जो बाज था वो केवल मांस ही खाता था और कबूतर उनका पसंदीदा प्रिय भोजन था, इसलिए वे राजा से कह रहे थे कि मुझे कबूतर को का मांस खाने दीजिए। राजा कुछ सोचकर बोले, मैं किसी दूसरे प्राणी को नहीं मारूंगा, तुम मेरे शरीर से उस कबूतर के बराबर मांस ले लो। तो राजा ने कहा, जो बाज था उससे कहा कि आप कबूतर को मत खाइए, उसके जगह आप मेरे शरीर से मांस ले लीजिए जिससे अपनी भूख मिटा लो। बाज बोला, महाराज एक कबूतर के लिए आप चक्रवर्ती सम्राट होकर अपना शरीर क्यों काटते हैं। राजा ने कहा, बाज तुम मांस लो और भूख शांत करो, मैंने सोच विचार कर ही निर्णय लिया, शरीर अजर मजर नहीं है, ये शरण में आए एक प्राणी की रक्षा में लग जाए तो इससे अच्छा और क्या उपयोग हो सकता है। बाज सहमत हो गया। महाराज की आज्ञा से एक तराजू मंगवाई गई, उसकी एक पलड़े में कबूतर बैठाया गया और दूसरे पलड़े में महाराज ने अपने हाथ से काटकर वायु बुझा रख दी, लेकिन कबूतर वाला पलड़ा खिला तक नहीं। महाराजा शिवी ने अपना एक पैर काटकर रखा, फिर भी कबूतर भारी ही रहा तो उन्होंने दूसरा पैर भी काटकर चढ़ा दिया। इतने पर भी कबूतर का पलड़ा भूमि पर ही टिका रहा। महाराज शिवी का शरीर खून से लथपथ हो गया। अब की बार वह स्वयं ही पलड़े पर बैठ गए और बाज से बोले, तुम मेरे इस शरीर को खाकर भूख मिटा लो। अचानक दरबार में एक दिव्य प्रकाश आया। बाज तो साक्षात देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गया। जो बाज था जो कबूतर का मांस खाना चाहता था, उसकी जगह जो राजा शिवी थे उन्होंने अपना शरीर काटना शुरू किया। जब उन्होंने अपनी पहली भुजा काटी, हाथ काटा तो कबूतर के वजन से उनका वजन काफ़ी कम था। फिर उसी समय जो एक प्रकाश हुआ जो देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हो गए और कबूतर बने अग्नि देवता भी अपने रूप में खड़े हो गए। इंद्र देवता ने कहा, महाराज आप धन्य हैं, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि आपकी बराबरी में तो क्या विश्व में कोई भी नहीं कर सकता। इंद्र ने महाराज शिवी का शरीर पहले के समान स्वस्थ और सुंदर कर दिया और बोले, आपकी दया और शरणागत की रक्षा की कृति सुनकर
हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए यह बाज और कबूतर का रूप बनाया था। हमारी परीक्षा में आप सफल हुए। वे दोनों देवता महाराज की प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर दिया।